गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रूहानिका रहती है, जब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जब उसे ये फील होता है कि कोई उसकी बात को सुनना नहीं चाहता है, तो वो जब वो पार्क में जाके बैठती है तो वहीं पर उसे वो लड़की फिर से मिलती है। और इस बार वो लड़की सिर्फ उसे मिलती नहीं है, उसे बचाती भी है बॉल पड़ने से। लेकिन जब तक रूहानिका उसे थैंक यू बोल पाती, काका आकर उसे लेकर चले जाते हैं। अब उसके आगे रूहानी का बार बार मुड़ के देख रही रहती है। एक दो बार तो उसे वो लड़की दिख जाती है, फिर उसे वो लड़की दिखती ही नहीं है। रूहानी का के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, आखिर कौन है ये लड़की? उसके आने से मुझे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी वाइब्स क्यों आती है? उसके मेरे करीब होने से मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई है इंसान जो सिर्फ और सिर्फ रूहानिका को जानना चाहता है, ना कि रूहानिका सिंघानिया को जानना चाहता है। फिर ये देखकर अपने इसी कश्मकश में सोचते हुए रूहानिका वहाँ से काका के साथ घर की तरफ चली जाती है। जैसी वो घर की तरफ जाती है तो रूहानिका की मॉम, जो गेट पर ही खड़ी रहती हैं, वो एकदम से रूहानिका का हाथ पकड़ती हैं और उसे अंदर खींच के लाती हैं और बहुत जम के डांटती हैं। कहती हैं कि तुम्हें कोई होश है कि नहीं, रात के 8 बज रहे हैं और तुम बाहर पार्क में जा रही हो। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें पार्क में जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम पब्लिक पार्क में जाओ। तुम पता भी हो तुम कौन हो? तुम रूहानी का सिंघानिया हो। तुम भूल जाती हो क्या? अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चली कि उनकी बेटी रात को इधर उधर घूम रही है, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ शिफ्ट क्यों हुए रूहानी का? हाँ, तुम्हें पता है कि जब हम मुंबई में थे हमारे कितने लोग दुश्मन थे? तुम्हारे भैया को मारते मारते मरते मरते ही बचा है वो। किडनैपिंग तक कर ली थी तुम्हारे भैया की। अब हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम वो चीज़ें ट्रॉमा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रूहानिका। इसलिए हम सब कुछ छोड़ के एक सबसे शांत सिटी में आए हैं, मनाली में आके रह रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग हमें इतना ना जाने और ना हमारे इतने दुश्मन हो। पर फिर भी हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है रूहानिका, इसलिए मुझे हर जगह तुम्हारे साथ काका को भेजना पड़ता है। पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम चीज़ों को समझो? तभी रूहानिका बोलती है, मम्मा मैं सब समझती हूँ, पर आप भी तो मेरी एक बात समझिए कि मेरी भी तो उम्र है खेलने कूदने की। मैं कब तक इस 4 दीवारी में बंद रहूँगी? मुझे भी घुटन सी महसूस होती है। मेरा भी मन करता है कि मैं दोस्तों के साथ जाकर खेलूं। मेरा भी मन करता है कि किसी के साथ मैं अपना वक्त गुजारूं, जहां लोग बचपन में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपन छुपैया खेलते हैं, वहां पर मुझे भी खेलना है। मुझे भी वो बच्चों के साथ लंगड़ी टांग खेलनी है। मुझे भी बहुत कुछ खेलना है बच्चों के साथ, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं खेलने देते हो। ना खो खो खेल पाती हूँ, ना कुछ खेल पाती हूँ। रूहानी का, तुम्हें मना किसी ने नहीं किया है। स्कूल में जाती हो ना तुम, स्कूल में तुम्हारे दोस्त हैं, उनके साथ खेलो, उनके साथ जाओ, ऐसे पब्लिकली मत जाओ। देखो मैं समझ रही हूँ तुम्हारा कहने का मतलब, लेकिन तुम भी हमारी स्थिति को समझने सीखो। मैं तुम्हें बार बार सुनाना नहीं चाहती हूँ और ना डांटना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम जाओ अपने रूम पर। यहाँ से रूहानिका अपना चेहरा मायूस सा करते हुए चुपचाप चली जाती। काका जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत फील होता है। काका का तो मन करता है कि वो रूहानिका को बोलें, बात करें, पर रूहानिका कुछ भी नहीं करती है। फिर यहाँ से रूहानिका जैसी जाती है वो बहुत अपसेट होती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे रहते हैं। पर रूहानिका की एक आदत थी, जब भी उसे कुछ भी फील होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। तो आज भी वो पेंटिंग करना स्टार्ट करती है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे वही नज़ारा फिर से याद आता है कि जहाँ पर वो लड़की के बाजू में बैठी थी और वो लड़की काफ़ी सुंदर दिख रही थी, इतनी कि ऐसा लग रहा था कि परी, कोई सी परी आ गई है उसकी ज़िंदगी में। और वो उसे देखकर बोलती, एंजल, वो एंजल की तरह लग रही थी। और रूहानी का उसको मन में रखकर, दिमाग में रखकर वो उसकी तस्वीर बनाना स्टार्ट कर देती है। कुछ हद तक वो उसके जैसी बना तो लेती है, पर पूरे तरीके से नहीं बना पाती है, क्योंकि उसने उसको सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा था और जितना उसे याद आ रहा था बस वो उतना बनाती जा रही थी।
फिर इसी चीज़ में वो थोड़ा टाइम इधर उधर स्पेंड करती है, फिर रात को वो सो जाती है। जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है तो रूहानिका की मॉम आती हैं और रूहानिका को उठाती हैं। रूहानिका उठती है और उठते से ही कहती है, मम्मा मेरा आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ मुझे नहीं जाना है। तो उसकी मम्मी कहती हैं, देखो स्कूल जाओ बेटा, स्कूल नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा, और वैसे भी अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ऐसे नाटक ना करो, जाओ। रूहानिका मन मारते हुए स्कूल जाती है। रूहानिका का स्कूल जाने का मन इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसका थोड़ा सा आईक्यू लेवल और मासूमियत बहुत ज़्यादा थी। आईक्यू लेवल इसलिए कम था कि वो बहुत इनोसेंट टाइप की थी, उसने दुनिया की चीज़ें नहीं देखी थी, तो इसलिए जो हायर बातें होती थी वो नहीं समझ पाती थी, और वो थोड़ी सी पढ़ाई में कमज़ोर भी थी। तो उस चक्कर में उसे बिल्कुल स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तभी वो जब बाहर जाती है तब काका उसे गाड़ी में बिठाने के लिए जब अपना गेट ओपन करते हैं तो रूहानिका उस गेट पे बैठती है। तब वो बाहर की तरफ बस ऐसे देख रही रहती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर उसे वही लड़की वहाँ पर खड़ी हुई दिखती है। रूहानिका जब उस लड़की को वहाँ खड़ा हुआ देखती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और फिर वो उस लड़की को देखते से ही बोलती है, एंजल। तो उसके काका बोलते हैं, क्या बोला बेटा आपने, एंजल? तो कहती है कि काका आपको वो लड़की दिख रही है, तो वो लड़की वो जो पीछे अभी खड़ी हुई थी। तो काका एकदम से गाड़ी रोक के पीछे टर्न करते हुए दिखते हैं। तब वो बोलते कहाँ है लड़की। तब रूहानिका भी देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं दिखती है। रूहानिका को अब समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, जब भी मैं इस लड़की को किसी से मिलवाने की कोशिश करती हूँ ये मिलती ही नहीं है, शायद शर्मीली टाइप की होगी। पर वो कुछ नहीं सोचती, फिर स्कूल की तरफ निकल जाती है। जैसे वो स्कूल की तरफ वहाँ जाती है तो उसे बोलती है कि चले अंदर। तो रूहानिका कहती है, क्या चलना है अंदर, अंदर जाकर भी तो मुझे सब ठीक ही करेंगे, पता है मेरा भाई पूरा स्कूल का रॉक स्टार है, इतना हैंडसम है कि सब उसके लिए पागल हो जाते हैं, पर फिर भी मेरा भाई मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं करता है। जब ये सीनियर्स गर्ल्स मेरे को इतनी पुलिंग ऑफ लेग करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। परी कहती है, कोई बात नहीं यार, मेरे भी तो हालात सेम ही हैं, हम दोनों तो एक जैसे ही हैं। कहती, हाँ यार, बट काश कोई होता जो हमें बचाता, काश कोई होता जो हमें इन लोगों से बचाता। पता है, इन लोगों के चक्कर में ना मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं करता है, रूहानिका कहती है। तभी परी कहती है, पर आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इस बार अगर हम लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो ये क्लास भी हमें फिर से रिपीट करनी पड़ जाएगी। कहती, नहीं नहीं इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पढ़ाई में फेल नहीं होना है और मुझे फिर से अपना नहीं करना है। पता है, कल कल ट्यूटर ने मुझे बहुत डांटा और बहुत मारा भी, ये देख मेरे हाथों में निशान। तो कहती है, हाँ यार देखो तो बहुत मारा, तू ट्यूटर चेंज क्यों नहीं करा देती है, वो तो वैसे भी ढंग से पढ़ाता नहीं है तुझे। कहती, कितने भी चेंज करा लो यार, पापा नहीं समझेंगे, और ये चौथा है। फिर पापा बोलेंगे कि मैं ही जड़ बुद्धि इंसान हूँ, मेरा ही दिमाग ख़राब है, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आता। कहती, ऐसा नहीं है यार, हमें समझाने वाला कोई हमें मिला ही नहीं है, परी कहती है। तभी रूहानिका कहती है, छोड़ो। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर्ड होती है तो वहाँ पर ना सीनियर्स खड़े हो जाते हैं, और सीनियर्स आकर उसे एकदम से धक्का देते हुए बोलते हैं, और आज का क्या है, बैग दिखाओ अपना, और बैग उसका छीन लेते हैं और उसमें से उसका टिफ़िन निकाल लेते हैं, और टिफ़िन लेकर खाने लग जाते हैं, और उसकी सारी बुक्स निकाल देते हैं। उसका जो बैग होता है वो वहाँ पर डस्टबिन के वहाँ पर फेंक देते हैं, और फिर उसको सबके सामने धक्का देते हैं, गिरा देते हैं, उसके कपड़े गंदे कर देते हैं, और उसे ह्यूमिलेट बहुत गंदे तरीके से करते हैं। जो परी रहती है, परी के साथ उन लोगों को इतना बुरा व्यवहार नहीं रहता है क्योंकि परी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पर जो रूहानी का है वो सिंघानिया खानदान की रहती है, इसलिए उसके साथ ना ये लोग ज़्यादा ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहे रहते हैं। फिर जब परी उसे उठाने आती है तो परी का भी बैग ऐसे ही फेंक देते हैं। रूहानिका का बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। रूहानिका वहीं से स्कूल के अंदर, वो क्लास रूम पर भी नहीं जाती है, और वो वहीं से गेट ओपन रहता है स्कूल
का, वो वहाँ से भाग जाती है। तो वहाँ से परी चिल्लाती है, रूहानी का रुक, कहाँ जा रही है रूहानी का रुक रुक। पर रूहानी का रुकती ही नहीं है। जैसे ही वो बाहर जाती है, फिर वो रोते हुए जाती है, क्योंकि उसे इतना ह्यूमिलेशन हैंडल होता ही नहीं है। तभी वो वहाँ से जाती है, एक जागते से ही बहुत भागते हुए जाते जाते एकदम से गिरने वाली रहती है। एक सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रहता है, उस पर उसका पैर लगता है और गिरने ही वाली रहती है। तभी वहाँ से उसका एक हाथ आता है और हाथ उसकी कमर पे जाता है और वो उसे रोकता है। जैसे ही वो ये फील करती है कि उसे किसी ने पकड़ा है, तो वो एकदम से अपनी नज़र उठाकर देखती है, तो वहाँ पर उसे वही लड़की दिखती है जो लड़की उसे पार्क के साइड में मिली थी, जो उसके घर के वहाँ पर भी खड़ी थी और आज उसे स्कूल के बाहर मिलती है। वो लड़की को देखती है, तभी वो लड़की उसकी तरफ देखते हैं और उसे अच्छे से खड़ा करती है। और उस समय ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत सुनसान एरिया रहता है, क्योंकि जो रूहानी का जो स्कूल रहता है वो थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में रहता है। तो ये जब भागते हुए जाती है तो आउटसाइड एरिया के वहाँ पर ना रश रहता है ना कुछ रहता है। तभी वो लड़की उसे बोलती है, थोड़ा धीरे से चला करो, ध्यान देकर, अगर गलत जाती तो वो कहती है, तुम हो कौन और तुम मुझे हर जगह क्यों दिख रही हो? पहले पार्क में भी और अब यहाँ पर भी, और मेरे घर के बाहर भी थी आप। क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रख पाती हो ना, इसलिए मुझे आना पड़ता है। अगर तुम अपना ख्याल रखना सीख जाओगी तो शायद मुझे बचाने के लिए तुम्हारे पास कभी आना ही नहीं पड़ेगा। तभी रूहानी का कहती है, देखिए मैं अपना ध्यान रख लेती हूँ। तो वहीं पे वो जो नई लड़की रहती है वो कहती है, हाँ देख ही तो रही हूँ, वैसे इसे ख्याल रखना कहते हैं तो फिर तो भाई पूरी दुनिया में किसी को ख्याल रखना नहीं आता होगा अपना। तो कहती, आप मुझे टॉन्ट मारना बंद करिए, मैं बस थोड़ी सी अपसेट थी। तो कहती, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, और वैसे भी इतने खूबसूरत से चेहरे पे इतना रोते हुए जाना ये तो ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि आप हो कौन और आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं रोऊं या क्या करूं? वैसे आप तो मुझसे एज में बड़ी लगती हैं। तो वो लड़की सामने खड़े होके बोलती है, हाँ मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम छोटी हो मुझसे। हाँ पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैटर ये कर रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम स्कूल से भागकर ऐसे तेज़ी से भागते हुए कहाँ जा रही थी? तो रूहानी का कहती है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, वहाँ पर मेरे साथ गंदा व्यवहार होता है और वो लोग ना मेरे मेरी बुक्स वगैरह सब उठा के फेंक देते हैं, मेरा खाना वाना सब खा लेते हैं और मेरे साथ ऐसे करते हैं। देखो मेरे कपड़े भी कितने गंदे हो गए हैं। वो लड़की आगे होती है और बोलती है, तो तुम अपने लिए फाइट क्यों नहीं करती हो? मुझे नहीं आती फाइटिंग, मुझे नहीं आते कराटे। तो वहाँ पर वो लड़की हंसते हुए कहती है, फाइटिंग दिमाग से किया जाता है, हाथ पैर से, और वैसे भी जंग अक्सर अक्सर दिमाग से जीती जाती है, बल से नहीं। बुद्धि से करोगी ध्यान तो बुद्धि से सोचोगी तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख जाओगी, लेकिन अगर वहाँ पर बल का इस्तेमाल करोगी तो नहीं सीख पाओगी। तो वो कहती, क्या बकबक कर रहे हो आप, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है बल बुद्धि, सीधे सीधे लैंग्वेज में कहो ना कि कहना क्या चाहती हो आप। तो कहती, कुछ नहीं, तुम स्कूल वापस जाओ और इस बार वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे साथ स्कूल में रहूंगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी आप, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी पर मेरी एक शर्त है। तो रूहानी का कहती, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सीक्रेट फ्रेंड रहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे बारे में किसी को भी बताओ। अगर तुम ये चीज़ डिसाइड करती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मुझे ना अपनी पब्लिसिटी करना और फेमस होने का कोई शौक नहीं है। तो रूहानी का हंसते हुए बोलती है, तो
तुम कोई परी तो हो नहीं हो, या तो तुम कोई फिल्म स्टार हो नहीं जो तुम इतनी फेमस हो जाएगा। और वैसे भी मेरे ज़्यादा कोई दोस्त है ही नहीं जिनको मैं किसी के बारे में बताऊं, सिर्फ परी एक मेरी दोस्त है। क्या तुम चाहती हो मैं उसे भी ना बताऊं? तो वो लड़की आगे आके बोलती है कि हाँ मैं यही चाहती हूँ कि आप उसे भी ये बारे में ना बताओ। अगर ये बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अगर तुम ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करती हो तो फिर भूल जाओ। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, पर आप मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगी? तो कहती अरे मुझ पे विश्वास तो रखो, अभी तो हर बार गिरने से तुम्हें बचाया है, चलो जाओ। तो रूहानी का चुपचाप अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है, गेट के अंदर जाती है, अपनी बुक्स को सब कुछ बैग के अंदर रखती है, टिफिन अंदर रखती है। तभी परी आकर बोलती है तू कहाँ चली गई थी? अरे तू पागल है क्या? हम यहाँ पर ना ये आउटसाइड एरिया है, बता मेन सिटी से भी कितना दूर है, और तू कहीं पर भी मत भागा कर। तो कहती है यार मुझसे ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ हैंडल नहीं होती है, मैं बहुत ह्यूमिलेट हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहती ओके बाबा तुझे अच्छा नहीं लगता है मैं समझ रही हूँ, बट थोड़ा समझ ना, हम कर भी क्या सकते हैं। तो इस बार रूहानिका बोलती है इस बार तो कुछ ना कुछ करूँगी अगर आप किया तो। और ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अंदर जाते से ही वो स्कूल में अब क्लास में अपना बैग रखती है और बाहर असेंबली के लिए आ जाती है। असेंबली के लिए जब वो बाहर आती है और आकर वहाँ पर खड़ी रहती है वहाँ पर, तो कुछ सीनियर्स उसे असेंबली से जाने से पहले ही उसके आजू बाजू आ जाते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। कोई तो उसकी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है तो उसकी दो चोटी रहती है, तो उसके बाल भी बड़े रहते हैं, तो उसकी दोनों चोटियों को खींचने की कोशिश कर रहे रहते हैं और उसको बहुत परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर उसे वो सामने उसकी नई दोस्त दिखती है, और रूहानिका जैसी उसकी तरफ देखती है तो वो बोलती है कि मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे करना। तो वो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो थोड़ी देर तक वो चुप रहती है और वो लोग उसको बहुत परेशान कर रहे रहते हैं। जैसे ही उसकी परेशान करते करते थोड़ी देर में वो थोड़ा सा आगे निकल जाती है, और आगे निकल के थोड़ा सा मतलब साइड वाला एरिया रहता है, तो वो एक लड़की उसके आगे आ ही रही रहती है। तभी वहाँ से वो नई वाली दोस्त जो रहती है उसकी, वो उसे बताती है कि तुम थोड़ा सा पैर को अपना आगे करो और टिल्ट कर दो। तो वो थोड़ा सा अपने लेग को आगे करती है और टिल्ट कर देती है। जैसी वो लड़की उस पैर से टकराती है वो बहुत जम के गिर जाती है। फिर सारी लड़कियाँ मतलब ये चार लोग रहते हैं तो चार में से तीन लड़कियाँ उसको उठाने लगती हैं। जैसी उठाने लगती हैं तो रूहानी का थोड़ा और पीछे होती है। दूसरी लड़की जब उसके पास आ रही रहती है उसे चिल्लाने के लिए कि तूने मेरी फ्रेंड को गिराया है, तभी वो बोलती है कि तुम थोड़ा सा साइड में हो जाओ और यहाँ की खिड़की ओपन कर दो। मतलब वो खिड़की रहती है और वो एकदम से साइड हो जाती है और वहाँ से खिड़की का डोर रहता है और उसका हाथ एकदम से डोर पर लग जाता है। जैसे डोर पे लगता है उसके हाथ का इतनी झनझनाहट होने लगती है, वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। तभी दूसरी लड़की उसका आकर हाथ पकड़ती, एक लड़की उसे जो गिरी हुई रहती है उस लड़की को संभालने पे लगी रहती है, दूसरे का हाथ टूट जाता है वो संभालती है। फिर रूहानी का थोड़ा और पीछे होती है, वो दोनों लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम ये हरकत करोगी, तुम हमसे करोगी। फिर रूहानिका को सामने वाली जो नई फ्रेंड उसकी रहती है वो उसे बोलती है कि तुम थोड़ा पीछे होती जाओ, वो इशारों से बोलती जाती है कि थोड़ा और पीछे होती जाओ पीछे होती जाओ। जैसे वो पीछे पीछे होती जाती है वहाँ पर स्टेयर्स आ जाती है। स्टेयर जैसी आती है तो जैसी वो स्टेयर आती है वो स्टेयर के ऊपर चढ़ने लगती है। जैसी वो ऊपर चढ़ने लगती है तो जो लड़की उसे मारने के लिए जा रही रहती ऊपर, फिर वो एकदम से उसका बैलेंस को वो जैसी उसे मारती है रूहानिका को, नई वाली लड़की बोलती कि तुम्हें यहाँ से एकदम से साइड में हो जाना है, उसका बैलेंस इनबैलेंस होगा, वो अपने आप ही सीढ़ियों से गिर जाएगी। वो इशारों में उसे समझाती है। वैसे ही रूहानिका एकदम से टिल्ड हो जाती है, एकदम साइड हो जाती है और उसका भी इनबैलेंस होता है और वो अपने आप सीढ़ियों से गिर जाती है।
जैसे ये देखती हैं तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि रूहानी का खुद अपना हाथ लगाती ही नहीं है उनको मारने के लिए, लेकिन तीनों को काफ़ी अच्छे से सबक सिखा देती है। फिर जो चौथी लड़की रहती है वो समझ जाती है कि अभी इससे पंगा लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तीन लड़कियां तो वैसे भी घायल हो चुकी है और वो चौथी अगर घायल होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। रूहानी का चुपचाप स्माइल करती है और वहाँ से थोड़ी सी घबराई हुई रहती कि इससे पहले ये लोग मुझे चिल्ला दें या डांट लें, वो वहाँ से भागते हुए आगे चली जाती है। जैसे वो भागते हुए जाती है ये तीनों लड़कियाँ एक दूसरे अपने आप को संभालने लगती है और जो चौथी फ्रेंड रहती है वो इन लोगों की मदद कर रही रहती है। तभी रूहानी का भागते हुए जाती है और उसको बोलती है कि तुमने मुझे सीरियसली हेल्प करी, आई जस्ट थॉट कि तुम बस मेरे मेरे को ऐसी बोल रही हो, पहले तो बताओ तुम स्कूल के अंदर कैसे आई। तभी वो लड़की कहती है मैटर ये नहीं करता है कि मैं स्कूल के अंदर कैसे आई हूँ, मैटर ये करता है कि अब तुमने सीखा कि अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमें हाथ पैर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने एक बार भी उन पे हाथ नहीं उठाया, पर बिना हाथ उठाए तुमने उन्हें काफ़ी अच्छे से सबक सिखा दिया है। तो कहती है हाँ बट मैंने नहीं, आपने सिखाया है। तो कहती ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी जैसे मैंने तुमसे वादा किया है। तो रूहानी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है पर ऑल टाइम तो तुम मेरे पास नहीं रह सकती हो ना। तो वो लड़की कहती है कि अगर मुझे दिल से याद करोगी तो मैं तुम्हें ऑल टाइम मिलूंगी, वैसे भी मैं तुम पे नज़र हमेशा से रखती हूँ, भले तुम्हारी नज़र मुझ पे ना हो लेकिन याद रखना मेरी नज़र हमेशा से तुम पर है, तुम जब भी मुसीबत में होगी तो मुझे पाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। वो कहती है आपका नाम क्या है। वो लड़की कहती है नाम में क्या लिखा है, जो भी बोलना है बोल दो। तो कहती है नहीं नहीं प्लीज़ आप अपना नाम बताइए, क्योंकि मेरे लिए तो आप एंजल बन कर आई हैं। तो वो कहती है एंजल वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर अगर आप बोलना चाहो तो स्मृति, मेरा नाम स्मृति है। तो हाय स्मृति, रूहानी का है। तो स्मृति बोलती है हाय रूहानी का। तो स्मृति बोलती है तुम रहती, रूहानी का बोलती है स्मृति तुम रहती कहाँ हो। तो रूहानी का कहती है लोगों के दिल में, और हमेशा से दिल में ही रहना पसंद करती हूँ, हम वो इंसान हैं जो एक बार किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो हमें कोई भूल नहीं सकता है, और यही मेरी खासियत है। फिलहाल तुम्हें मेरे साथ बात करने से ज़्यादा बेटर है कि तुम अपनी असेंबली में जाओ और याद रखो कि दिमाग से खेलना सीखो, हाथ पैर से नहीं, और कभी भी अबला नारी बन के ना बैठो, क्योंकि अगर अबला नारी बन के बैठोगी तो दुनिया तुम्हें और टॉर्चर करेगी और जो तुम्हें होना नहीं है। तो आगे से तुम हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करना और सब चीज़ करना सीखोगी। तो रूहानिका बोलती है हाँ अगर आप रहोगी तो मैं ज़रूर सीखूंगी, ऐसे बोल के रूहानिका अपनी चली जाती है। तो इस तरीके से रूहानिका और स्मृति की दोस्ती हो जाती है। अब देखते हैं कि स्मृति कितने अच्छे से रूहानिका को आगे संभालती है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।